हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को कार्यक्रम आयोजित कर जिले के 25 दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी वितरित की गई। राजस्थान विकास परिषद के अध्यक्ष अब्दुल सगीर खान, जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया और ढोलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने स्कूटी वितरित की तथा दिव्यांगों को केंद्र और राज्य सरकार कल्याण में संबोधित योजनाओं की जानकारी दी। सगीर ने बताया कि जो किसी सरकारी या निजी शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत है, उन्हें राज्य सरकार स्कूटी देती है। जो नियमित अध्ययनरत नहीं है, उन्हें संस्थान या विधायक कोष से निःशुल्क स्कूटी मिल सकती है। सभी लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का आभार प्रकट किया और कहा कि अब पढ़ाई के लिए आने जाने में आसानी होगी। महोदया ने अपने बजट के दौरान बजट में ये घोषणा की थी कि जितने भी अपने दिव्यांग बच्चे और बच्चियां हैं जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, उनको एक्चुअली बहुत असुविधा होती है। उनकी असुविधा को ध्यान में रखते हुए बजट में घोषणा की गई थी जिनको मोटराइज ट्राई साइकिल दी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट में की गई घोषणा की परिणति के स्वरूप इन बच्चे और बच्चियों को मोटराइज ट्राई साइकिल दी जा रही है। ढोलपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।